पतिरा हैं, पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए इंतजाम से मुतमिन है। PP7 में जिमनी इंतखाब के दौरान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी उमर फारूक ने वक्त न्यूज के साथ खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए इंतजाम से मुतमिन हैं। सियासी मुखालिफिन की जानिब से प्रोपोगंडे का कोई असर नहीं होगा और मुस्लिम लीग नून फतह से हमकिनार होगी। उन्होंने कहा कि मैना मानू की रिट लगाए रखना PTI का वतीरा है। इलेक्शन के इंतजाम के हवाले से अपोजिशन के तमाम मुतालिबात को तस्लीम किया गया, मगर इसके बावजूद इमरान खान इंतजाम से मुतमिन नजर नहीं आते। PTI के अफसोस ये है कि उनकी मेन क्यादत से लेके ग्रास रूट के वर्कर तक ओचे अटकंदे मैं ना मानूं। अभी इलेक्शन हो रहा है, अगर मियां नवाज शरीफ ये कह दे कि इस हल्के में इस वक्त इलेक्शन जारी है तो शायद जिद में इमरान खान कहे कि नहीं, इलेक्शन रात को होगा, ये धांधली है, दिन को क्यों हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रायवन मार्च की तैयारियों के सिलसिले में जिला इस्लामाबाद का वर्कर्स कन्वेंशन कल तलब कर लिया, जिसमें विफाकी दारुल हुकूमत से काफिलों और रैलियों के हतमी शेड्यूल का ऐलान होगा। रायवन मार्च से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां अरूज पर हैं। इस सिलसिले में जिला इस्लामाबाद के पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन कल होगा, जिससे रुकन कौमी असम्बली असद उमर खसूसी खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वर्कर्स कन्वेंशन में रायवन मार्च के लिए इस्लामाबाद से काफिलों और रैलियों के हतमी शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद से रवाना होने वाली तमाम रैलियों को 30 सितंबर की सुबह 10 बजे गोलरा मोड़ पर जमा होने की हदायत कर दी गई है।